हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। आई एम निकिता गुप्ता एंड एज वी स्टार्टेड आवर सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 1 लेक्चर नंबर 8। सो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री और इसकी फर्स्ट यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से एक ड्रग की जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके थेराप्यूटिक एक्शंस या बायोलॉजिकल एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इसके अंदर हमने कई सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, जैसे कि सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कॉम्प्लेक्सेशन, आयनाइजेशन, रेडॉक्स पोटेंशियल, सरफेस एक्टिविटी और एट द लास्ट प्रोटीन बाइंडिंग। तो इसी सीरीज़ में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे एक ड्रग की नई प्रॉपर्टी जो उसकी बायोलॉजिकल एक्शंस को अफेक्ट करती हैं। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अ ड्रग। स्टीरियोकेमिस्ट्री से क्या मतलब है कि यहाँ पर हम ड्रग की 3D स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि जब अपना जो ड्रग है वो 3D फॉर्म में चेंज होता है, मतलब उसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो सेम है लेकिन उसकी जो 3D नेचर है वो जब चेंज होता है तो उसके रिजल्टेंट उसका जो एक्शन है वो किस तरीके से चेंज होता है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्या समझ रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री से कि स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व्स अ स्टडी ऑफ 3 डायमेंशनल नेचर, यानी कि 3D नेचर, एंड वी कैन से दैट इट इज़ अ स्टडी ऑफ अ कायरल मॉलिक्यूल। कि स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होता है उसके अंदर ड्रग के मॉलिक्यूल के 3D नेचर को, यानी कि 3 डायमेंशनल नेचर को स्टडी किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कायरल मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि जिसके अंदर जो एसोसिएटेड जो अदर ग्रुप्स इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं वो सारे ही डिफरेंट होते हैं, तो हर किसी का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक नेचर होता है, उसको यहाँ पर स्टडी किया जाता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री प्लेज अ इम्पॉर्टेंट और अ मेजर रोल इन द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल बिकॉज एनी चेंज इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अ ड्रग विल अफेक्ट इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी and the isomeric pairs having a different physical properties such as log p, pk value, etc. तो क्या कह रहे हैं कि किसी भी ड्रग की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है ना वो उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्ले करती है, मतलब उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस या उसके जो थेराप्यूटिक एक्शंस होते हैं उसको डिटरमाइन करती हैं। कैसे कि अगर किसी भी ड्रग की, किसी भी कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर चेंज होती है तो अल्टीमेटली उसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, उसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो आइसोमेरिक पेयर है, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, यानी कि जो सेम स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड है जिनकी सेम मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लेकिन उनकी सिर्फ 3D स्ट्रक्चर में चेंज है, उनकी क्या होती है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे कि लॉग पी का मतलब क्या होता है, पार्टीशन कोफिशिएंट उसका डिफरेंट हो जाता है, उसकी जो पीके वैल्यू है जो उसके एसिड बेस नेचर को रिप्रेजेंट करती है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड थर्स डिफर इन द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। तो क्या कह रहे हैं कि अगर एक ड्रग कंपाउंड है उसकी स्टीरियो स्पेसिफिसिटी चेंज हुई तो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। और अगर हम 2 आइसोमेरिक पेयर लें जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, यानी कि उनके जैसे मान लो कि लॉग पी की यानी कि पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू डिफरेंट है या उनकी पीके की वैल्यू डिफरेंट है, तो भी अल्टीमेटली उनके जो थेराप्यूटिक एक्शन होगा, उनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा, ठीक है, उनकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, हम एक्टिविटी भी कह सकते हैं, वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगी डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। द आइसोमेरिक, आइसोमेर मतलब कि जो सेम स्ट्रक्चर है, विच हैविंग सेम बॉन्ड कनेक्टिविटी, यानी कि जो बॉन्ड्स हैं वो भी सेम हैं लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स एंड एटम्स इन द स्पेस इज टर्म्स एंड स्टीरियो आइसोमर। तो हमने कहा कि भाई स्टीरियो स्पेसिफिसिटी के चेंज होने से, अब स्टीरियो स्पेसिफिसिटी जिनकी चेंज हो जाती है उनको क्या बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो ये बोल सकते हैं कि आइसोमर मतलब उनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज है, उनके अंदर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो भी चेंज है, बॉन्ड्स के थ्रू जो कनेक्टिविटी है डिफरेंट ग्रुप्स की वो भी सेम है, लेकिन मतलब कंपाउंड सेम है, जो ग्रुप्स प्रेजेंट है वो सेम है, जो बॉन्ड है वो सेम है, तो वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर है यानी कि आइसोमर है, लेकिन जो अरेंजमेंट है ग्रुप्स का, जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, वो चेंज है कि स्पेस के अंदर यानी कि 3D के अंदर जो उनका अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर। क्लियर हो गया, यानी कि जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है वो हर तरीके से सेम है, सिर्फ अरेंजमेंट में, वो भी स्पेस में अरेंजमेंट में डिफरेंट है, उनको क्या बोला जाता है, स्टीरियो आइसोमर बोला जाता है। अब ये जो आइसोमर होते हैं ये होते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे कि होते हैं एक तो कॉन्फॉर्मेशनल, ठीक है। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर का मतलब क्या है कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर बाय रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एज कॉन्फॉर्मर्स। कॉन्फॉर्मर्स से हमारा क्या मतलब है कि अगर जैसे कंपाउंड है उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है ना उनका एक डिफरेंट अरेंजमेंट है, और इस तरीके का अरेंजमेंट है कि उनको एक दूसरे के अंदर सिंपली रोटेशन के थ्रू यहाँ पर कन्वर्ट किया जा सकता है कि एक पर्टिकुलर बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जब उन ग्रुप्स को आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, उनके अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हो, तो इस तरीके के कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बोला जाता है, या इन्हें हम कॉन्फॉर्मर्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, इसी तरीके का दूसरा कंपाउंड है, दोनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक पर्टिकुलर बॉन्ड है जिसके रिस्पेक्ट में जब आप दूसरे कंपाउंड को रोटेट कर दोगे और उस रोटेशन से जो कन्वर्टेड कंपाउंड बना है उनमें सिर्फ एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हुआ है, और इस तरीके के आइसोमर को बोला है कॉन्फॉर्मेशंस, ठीक है। सेकेंड होते हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल मतलब कि ऑप्टिकली वो डिफरेंट है। ऑप्टिकली डिफरेंट होने से क्या मतलब है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स आर टू कंपाउंड्स विच कंटेन द सेम नंबर एंड सेम काइंड ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड, दैट इज द कनेक्टिविटी बिटवीन द एटम्स आर सेम एंड डिफरेंट स्पेटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज एनेंशियोमर्स। देखो क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब है कि अगर दो कंपाउंड है, ठीक है, उनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो तो सेम है, ठीक है, यानी कि सेम कंपाउंड है, सेम एटम है, सेम मॉलिक्यूल है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स उसके साथ अटैच है वो भी सेम है, जिस बॉन्ड के थ्रू अटैच है वो भी सेम है, यानी कि उनके बीच में जो कनेक्टिविटी है वो भी सेम है, ठीक है। सिर्फ उनमें क्या डिफरेंट है, जो स्पेटिकल अरेंजमेंट है एटम्स के रिस्पेक्ट में, उनका जो स्पेटिकल अरेंजमेंट है वो यहाँ पर डिफरेंट है ना, यानी कि जैसा कि हमने बोला कि एक सर्टेन बॉन्ड के अगेंस्ट उनके अरेंजमेंट को चेंज कर दिया जाएगा, होंगी वो बिल्कुल सेम ही, लेकिन उस अरेंजमेंट के चेंज हो जाने की वजह से नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब है कि जैसे ये एक हाथ है और ये दूसरा हाथ है, इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज किया जा सकता है, यानी कि आप इस तरीके से अगर एक बीच में मिरर रख दो और इसको इसके ऊपर रखो तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसको तो बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। लेकिन अगर आप इनको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी कि वो इस तरीके से उनका अरेंजमेंट है कि वो एक के ऊपर दूसरे को एज इट इज नहीं रख सकते आप, ठीक है, तो उनको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, और इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है एनेंशियोमर, ठीक है। क्लियर है कि अगर दो कंपाउंड है जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम्स है, सेम नंबर ऑफ बॉन्ड है, बॉन्ड भी बिल्कुल सेम है, कनेक्टिविटी भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ अरेंजमेंट अलग है, और इस तरीके का अरेंजमेंट है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रही है, तो इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं एनेंशियोमर। क्लियर। अब इन एनेंशियोमर के बारे में क्या बात है कि ईच एनेंशियोमर हैविंग एन आइडेंटिकल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, कि हर एक जो एनेंशियोमर होता है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो तो सेम होती हैं, लेकिन डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइक इंटरेक्शन विद द रिसेप्टर, मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन बाइंडिंग, लेकिन उनकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है ना वो डिफरेंट होती है, यानी कि वो रिसेप्टर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगी, किस तरीके से बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होंगी, किस तरीके से प्रोटीन से बाइंड करेंगी, प्रोटीन बाइंडिंग शो भी करेंगी कि नहीं करेंगी, ये यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है, ये यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इसके थ्रू हम ये समझ पाते हैं कि ड्रग की रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन किस तरीके की है, ड्रग बॉडी में किस तरीके से मेटाबोलाइज हो रही है, प्रोटीन के साथ बाइंड कर रही है नहीं कर रही है, या बाइंडिंग हो भी रही है तो किस तरीके की बाइंडिंग हो रही है। ठीक है, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है। नेक्स्ट होता है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का मतलब है कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय सिस और ट्रांस आइसोमर। आपने सुना होगा सिस और ट्रांस। सिस में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, वो सेम डायरेक्शंस में होते हैं। ठीक है, एक डबल बॉन्ड होता है, उस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप्स है वो अगर सेम डायरेक्शन सेम साइड पे हैं तो हो जाएगा सिस, और अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं ट्रांस। तो इस तरीके से सिस और ट्रांस दो टाइप के आइसोमर्स यहाँ पर होते हैं, इसलिए इसे सिस ट्रांस आइसोमर्स भी बोला जाता है। और आइसोमेरिज्म को क्या बोला जाता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, which is resultant from restricted rotation due to the carbon-carbon double bond or in a rigid rings system। जो कि यहाँ पर क्या होता है कि जो रोटेशन होता है ना, वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, या हम बोल सकते हैं कि एक रिजिड रिंग सिस्टम होता है जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो रोटेशन है वो एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि एक स्ट्रक्चर है हमारे पास डाई इथाइल मतलब कि दो इथाइल ग्रुप है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, दो इथाइल ग्रुप। स्टिलबेस्ट्रोल एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी की बात हो रही है कि यहाँ पर जो इसकी ट्रांसफॉर्म है जिसमें दोनों अपोजिट साइड पर हैं आपके मेजर ग्रुप्स। ठीक है, तो अपोजिट साइड में जब ग्रुप्स हैं तो वो ट्रांसफॉर्म है, और जब दोनों सिमिलर साइड पर हैं, ठीक है, तो वो सिस फॉर्म है। तो सिस फॉर्म के अंदर जो इसकी एक्टिविटी है वो ट्रांसफॉर्म के कंपैरिजन में सिर्फ 7% ही होती है। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो गया क्योंकि एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो गई। ट्रांसफॉर्म के कंपैरिजन में सिस फॉर्म में सिर्फ 7% ही एक्टिविटी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये क्लियर है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री, क्योंकि इसके थ्रू हम कंपाउंड के 3D नेचर को समझते हैं, और 3D नेचर के ऊपर बेस्ड है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स होते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लास्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।